वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः भगवान श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तये नमः। नीलाद्रि मण्डपकु शत शत कोटि प्रणाम पूर्वक हमर जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आपन मानकु सदा समान प्रणाम ज्ञापन करुछि। पवित्र महाप्रभुंकर आज भाद्रव मास शुक्ल पक्षीय चतुर्दशी जो चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहुए श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर अनंत चतुर्दशी एवं आज चंद्र उपवास पूजा श्रीमंदिर सर्वत्र अनंत व्रत जहाँ अघोर चतुर्दशी कहुए श्री दुर्गा और लिंगराज पार्श्व गोटे पवित्र दिन महाप्रभु स्वतंत्र भाव भक्त मान दर्शन करने सिंह द्वार श्रीमंदिर मुंड को प्रवेश एवं पतित पावन नारायण दर्शन सहित बेढ़ा परिक्रमा करी जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन कर भक्त मान अंतर प्रदेश श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वतंत्र भाव नीलाद्रि नीलाचल धाम भगवान बार मास यात्रा उपजात्र प्रभु दर्शन पाई भक्त मैंने प्रातः काल स्थान महाप्रभु दर्शन कर दर्शन कर चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी भगवान अनंत आज जन्म ग्रहण करते धरावतरण करते अनंत नारायण जहां नारायण श्रीमंदिर से अनंत नारायण वासुदेव पूजा पाऊँ आज दिन भक्त मान दर्शन करने जेहे स्वतंत्र व्रत अनंत व्रत जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र में अनंत व्रत जहाँ भाद्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी प्रत्येक वर्ष पालन हुए व्रत पालन करी उभय पुरुष और स्त्री लोक मैंने अनंत विष्णु पूजा अर्चना करती व्रती मैंने उपास व्रत पालन पूर्वक निज निज गृह कि विष्णु मंदिर मानक अनंत विष्णु पूजा करने को आसी था पूजा निमंते खई लड़ू पिठा ये सब दशटी लेखाएं भोग लगाए चौदह प्रकार फूल चौदह प्रकार फल ठाकुर को अर्पण करिवार गोटे विधि अच्छी अनंत एवं सूतारे स्वतंत्र भाव चौदहटी गंठी पकई एक व्रत प्रस्तुत करी पूजा पीठ से रखा जाए एवं पूजा परे व्रती ताहा बाम बाहुरे धारण करती
ब्राह्मण द्वारा पूजा अर्चना करा जाई चतुर्दशी वर्ष रे व्रत समापन जहाँ को चतुर्दश वर्ष 14 वर्ष रे ये व्रत को मध्य उद्यापन करा जाए। व्रत महात्म्य रे जहाँ रही अनंत व्रत पूर्वक अनंत विष्णुंकर पूजा अर्चना कले गृहर धन ऐश्वर्य वृद्धि पाइबा संगे संगे प्रति मनुष्य जन्मरु मुक्ति लाभ करे। तेणु आजर ये जो दिन टी ये प्रशस्त ए पाखे गुरुवार आज भाद्र मास शुक्लपक्ष चतुर्दशी गुरुवार आ गोटे दिन पर भाद्र मास सर एवं भाद्रव पर आश्विन मास आसवे पितृपक्ष तेणु दुपक्ष भितर गोटे पक्ष पितृपक्ष गोटे हूँ देवी पक्ष आगंतुक आसुचे तारी पूर्वर भगवान अनंत व्रत अनंत वासुदेव तेणु तांकर आज प्रशस्त पूजा अर्चना एवं भगवान श्रीमंदिर अनंत व्रत पालन करा जीव अनंत वासुदेव मंदिर रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर स्वतंत्र नीतिकांति रही सेतिपाई भक्त मानकर मध्य सिंह द्वार रे गहली आपण माने देखुचंती पृथ्वीर विविध स्थान रु भक्त माने आसी सिंह द्वार सम्मुख रे भिड़ जमैचंती भिड़ लागिचि भक्तंकर भिड़ महाप्रभु को दर्शन करी भक्त माने उतार्थ हेबे आज अनंत चतुर्दशी सारा घरे घरे चारियाड़े मध्य स्वतंत्र गोटे भक्तिर वातावरण तार कारण होची भगवान अनंत वासुदेवंकर आविर्भाव से हेले स्वयं वासुदेव अनंत वासुदेव श्रीमंदिर मध्य गोटे प्रख्यात मंदिर अच्छे जो थे कि महाप्रभु अनंत वासुदेव से स्थान रे स्वतंत्र मंदिर मुक्ति मंडपर वाम पार्श्वरे अनंत वासुदेव मंदिर एवं मंदिर टी श्रीमंदिर विधि व्यवस्था अनुसार 85 नंबर प्लॉट उपर अवस्थित अन्य मंदिर मानक मंदिर एक स्वतंत्र धरणर यार विमान बा मुख्य मंदिर टी छोट और मुखशाला होती बड़ मंदिर टी अत्यंत प्राचीन मन हुए अनंत केशरी पाटजेमा चंद्रिका पाट महादेवी द्वारा ये मूर्ति स्थापित होता केतेक गवेषक माने पूर्वर प्रकाश कर एक क्षुद्र विष्णु मूर्ति अनंत नाग उपरे शयन करुवा विग्रह को अनंत वासुदेव नाम रे अभिहित करा जाइछि। महाप्रभुंकर दैनिक नीति सकाशे कोठ खंजा स्वरूप पैसिकिया काकरा गोटे पूरा दुईटी एवं खई ओलिए तेल दीमाणिका पूर्व कालर अनंत जन्मदिन विशेष नीति एठार अनुष्ठित होता है। सेपरी बामन जन्मदिन एठार देउल पुरोहित होम करिथांति भाद्रव शुक्ल चतुर्दशी जहाँ अनंत चतुर्दशी दिन संध्या धूप सरिया परे अनंत पासरे पर्वजात्रा जोगाणिया भोग महास्नान जिनिष देवा ओ पूजा पंडा ठारे महास्नान बढ़ी भोग सरिया परे अनंत व्रत कथा पाठ कला उतारे वंदापना करिथांति तेणु स्वतंत्र भाव रे महाप्रभुंकर जो अनंत वासुदेव मंदिर ये अनंत वासुदेव मंदिर रे आमर विविध नीतिकांति अनुष्ठित होता है। अनंत वासुदेव मंदिर पश्चिम को दिगीपाल
दिगपाल मंदिर ठी अछंती या एको दक्षिणाभिमुखी मंदिर एथिरे दिगपाल मान पूजा पाउछंती अनंत वासुदेव को दर्शन करबा समय रे भक्त माने महाप्रभु को मध्य भक्ति र सहित स्तुति करी आज जेहेतु अनंत चतुर्दशी व्रत व्रतधारी माने मध्य भिड़ लगी थाए प्रभुंकर सही स्वतंत्र स्थान जो स्थान जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रख्यात तेणु अनंताय नमस्तेस्तु महाशयनाय च भवबंध विमोक्षाय नम पुरुष पूर्वज जहांकु अनंत वासुदेव भाव रे स्तुति करा जाइछि तेनु कहा जाय ध्याये हम हीन कर्मा तब कृत चरणम चित्त बद्धो प्रदीपितौ ध्यानम ज्ञानम च नास्ति तब चरण सेवा पार्थये जात मूढ़म पापाति कर्म जाले पतित मति सदा पार्थये दीन बंधु त्राही त्राही तुमेवम तब पद शरणम श्री वासुदेव नमामि वासुदेव भगवान अनंत वासुदेव स्वरूप रे विराजमान करी प्रख्यात तिथि रे काल काल धरी धरा पृष्ठ रे भक्त माने पूजा अर्चना करि जानती सेति पाई प्रभुंकर स्वतंत्र भाव रे कारण श्री जगन्नाथ महाप्रभु बलियार भुज जहांकु दर्शन कले अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले अनेक जन्मर तप जहाँकि सार्थक होइथाय से वासुदेवंकर पूजा अर्चना द्वारा सेथिपाई आज दिनटी संपूर्ण भावरे प्रशस्त दिवस अनंत नारायणकर पूजा अर्चना करबा पाई तेनु से अनंत व्रत अनंत चतुर्दशी श्री मंदिर रे अनंत वासुदेवंकर पूजा स्वतंत्र भावरे गृहमानंकर मध्य ये अनंत व्रत टिकी जो माने घरे शुद्धपूत भावर मध्य करिथांती चौदह प्रकार फूल चौदह प्रकार फल एवं होउचंती स्वतंत्र भावरे भक्ति र सहित ये व्रत बड़ निष्ठा काष्ठार सहित करा जाए तेणु भगवानकर श्री चरणारविंद रे समर्पित पूर्वक आज रही अनंत चतुर्दशी व्रत जो माने करंती धनजन गोप लक्ष्मी प्राप्ति हुंती महान व्रत एवं ये व्रतटी मध्य चौदह वर्ष रे उद्यापन करिवार मध्य विधि थाए तेणु श्रीमंदिर रे आज मध्य स्वतंत्र नीतिकांति सेति पाई अछि अनंत वासुदेवंक मंदिर रे ये नीतिकांति अनुष्ठित होइ अछि एवं महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र को जो माने आसंती आपण माने देखिबे भगवानंकर डोरी न लागिले श्रीक्षेत्र को के आसी परिबेनि तेणु तांक डोरी तेरे श्रीक्षेत्र को भक्त टी आसी महाप्रभु को दर्शन करे आउ सबुठारु बड़ कथा हला जीवर वृद्धावस्था रे दुख आसे
जीवर वृद्धावस्था रे दुख आसे कोन आपण मान देखिबे भीड़ लागी छि सिंह द्वार सम्मुख भक्त मान ताप चुकता पछ चलि जंती एवं भक्त मान को दर्शन करिवा पाई महाप्रभु चलचंचल ही बसिचंती जेतु गत राति रे महाप्रभु बलिबा आमन बेस होइतिले दंड कमंडल इत्यादि छता धरी बड़ भव्य रूप महाप्रभुंकर सेई रीति नीति श्री मंदिर रे पालन होइछि एवं महाप्रभु को दर्शन करी भक्त माने आनंद रे फेरचंती हमें यदि भागवत कथा को जीवा ए सिंह द्वार रे भीड़ भी लागी छी देखु चंती महाप्रभु प्रति पावन कर दर्शन तत सहित भीतर बढ़ा को प्रवेश करी भगवान को दर्शन पाई भक्त माने मध्ये आज चलचंचल से पाखरे भव्य श्री मंदिर रे चूड़ा देश पति तपावन बाना परपर ही उड़ुचंती एवं प्रभुंकर अपलोक नयन जो पति तपावन नारायण से मध्य भक्त मान को अवलोकन करी कृपार वर्षा करुचंती अवसर रे आम देखिबा संसार भितरे वृद्धावस्था रे दुख सहिबाक पड़े यही सेवा करिवे नाही तुम्हें तुम पिता माता सेवा नकले वृद्धावस्था तुमर संतान तुमर सेवा करिवे नाही कारण तुम्हें जहाँ करिथिबो तार फल तुम्हें पाइबो सेथिपाई तुम्हें जदि तुम पिता माता सेवा नकल ताले तुम संतान माता तुमर आउ सेवा करिवे नी माता पिता गुरु अतिथि सूर्य एमान होचंते प्रत्यक्ष देवता कारण देवता कहले माता पिता गुरु अतिथि सूर्य नारायण एमान होचंते प्रत्यक्ष देवता एमानकर सेवा करिबा कथा मनुष्य पाखरे वृद्धावस्था रे पैसा नथिले से कुकुर रो दशा हो जी पैसा नहीं आर्थिक नहीं कहीं आउ पाखे पचारे तेणु वृद्धावस्था दुख पाइले ममता तुटे ना वृद्धावस्था शरीर दुर्बल थिले भजन कीर्तन पाई मन को युवक कर अर्थात से अवस्था वृद्धावस्था हेले मन को होती युवक कले मन को जाग्रत कले दुख निश्चित भाव कमी वृद्धावस्था जिहा भय देखाए कारण पाचन शक्ति नथिले खाइबा को बड़ इच्छा हुए मृत्युर छ मास पूर्वरु जमदूत मानक स्वरूप दिशे आपण माने देखिबे जेतेले मृत्यु आसीबो सेतेबेले छ मास पूर्वरु प्रायतः जमदूत मानकर स्वरूप देखा जीवो जानिबे जे मोर मृत्यु निश्चित भाव रे निकटेला तेनु ई होची गोटे सृष्टिर प्रक्रिया भगवान कर तेणु सेथिपाई अनेक व्यक्ति माने आपण माने से माने कोई थांदे आउ मोर संसार रहिबार नाही तेणु अति पापी को वृद्धावस्था रे जमदूत माने दिसंती जो माने अति पापी लोक तांकु वृद्धावस्था रे जमदूत माने दिसंती अंतकाल रे दुई जन जमदूत आसंती पुण्य पुरुष ओ पाप पुरुष जोड़ी आसी दुई जन जमदूत जीवात्मा को से मध्य आघात करती बाड़ दिखती
पुण्य पुरुष कहे तोते पुण्य करिवार अवसर दिया जायतिला किंतु तू पुण्य बोलु नाही। मरिबा समय रे जीव बड़ छटपट हुए ब्रह्मरंध्र रे जे प्राण को स्थिर करे जमदूत माने ताहार किछि करि पारंती ना। स्थूल शरीर भितरे सूक्ष्म शरीर जाकि जमदूत जीवात्मा को जमपुर को नै जा अतिशय पापी पाई जमपुरी रो मार्ग अति भयंकर। पापी गरम बाली रे चले चित्रगुप्त पांजी काढ़ी पापर तालिका पढ़े पृथ्वी चंद्र सूर्य आदि ये 14 जन साक्षी उपस्थित था। जीवात्मा को ता पाप अनुसार नरक दंड मिले जहार पाप पुण्य समान हो जाए ताकु चंद्र लोक को पठा जाए। पुण्य शेष हेले जीव पुणी मनुष्य लोक को आसे जन्म मरण दुख सह। तेणु ये होची वृद्धावस्था रे दुख आसिले ये प्रकार रो भोगिबा को पड़े। तेणु जीवर गर्भ होचंती दुख जहाती दुख जीवर गर्भ कौन ना गर्भ संचार हेला बेले पानी बुंदा परी सूक्ष्म होइथाय तो गर्भटा होची दुख। 10 दिन परे बहल हुए मास करे शिरा सृष्टि हुए 2 मास रे हात पाद हुए 3 मास रे केश नख हुए 4 मास रे सप्त धातु सृष्टि हुए 5 मास रे भोक शोष ज्ञान हुए 6 मास रे मां पेट रे भ्रमण करे से विष्टा मूत्र भितरे रही थाए माता कटु अमल गरम खाद्य ता अंगरे वेदना सृष्टि करे। तेणु सेथिपाई कुआ जाइछि गर्भटा होछि मध्य दुख कुसुम लवण कटु तीक्षण क्षार आम्बिल जा भक्षण जननी आहार करई शिर से सर्वांग पिळई। कारण खाद्य सहित पिलार मध्य गर्भाशय थिबा पिलार प्रभाव अछि। आजि मध्य हमर जो माने होचंती डाक्टर माने से माने मध्य से कथा कहउचंती जहा हजार हजार वर्ष तलु निर्णय करा जाइछि। तेणु 7 मास रे जीवात्मार पूर्व जन्मर ज्ञान हुए से गर्भ भीतर प्रभु को स्तुति करे एवं कौन कहे हे नाथ मते बाहर को नियो गर्भवास नरकवास परी से कहे मते बाहर को नहीं मु आपण को सेवा करी भी भक्ति करी भी गर्भ भीतर जीव ज्ञान हो जाता है। कारण गर्भ भीतर से जीव ज्ञानी ही जाए भगवान को पाखरे से अनेक प्रतिज्ञा करे। तेणु सेवई तार पाद गते अशेष कर्ता से जगते मते बाहर को नियो मु बड़ दुखी प्रसव पीड़ा जो से तार पूर्व जन्म ज्ञान भूली जाए। जीव अनादि काल रु बाल्यावस्था जौवन अवस्था वृद्धावस्था रो दुख भोग करी आसुची जन्म मरण रो दुख रे भयंकर। जन्म हेबा परे माया लागे संसार माया केही छाड़ी परिबे नाही। जीव बाल्यावस्था रे मां को खेलना को भल पाए युवक अवस्था रे पुस्तक को तापरे टंका को तापरे पत्नी को तापरे पुत्र को तापरे पुत्र हेबा परे पत्नी रो मोह दुटे। प्रभु को माया बड़ विचित्र अनेक जन्म रु जीव ओ एही परि घुरुछि सेति पाई कपिल कहिले माता प्रभु को शरण नै मन को संसार विषय रु हटाओ प्रभु को तारे स्थिर कर जीवन को सफल कर केते दिन आउ जन्म मरण चक्र रे गुरीबो।
ମାତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କପିଳ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଦେବହୂତି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଲେ, ସ୍ନାନ ଧ୍ୟାନ କରି ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କଲେ, ମନରେ ନାରାୟଣକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରଟି ଆଉ ବାଧକ ହୁଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯାବତ ଜନମମ୍ ତାବତ ମରଣମ୍ ତାବତ ଜନନୀ ଜଠରେ ସଜନମ୍, ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ତୁତି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଯେ କାହାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ହେଇଯିବ କେହି କହିପାରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ଯଦି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ରହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଜି ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନାତ ମୁକ୍ତିଦମ ସାକ୍ଷାତ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ, ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏ ଅହୋଭାଗ୍ୟର କଥା, କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ମନେ ପକାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସବୁଦିନ ସମସ୍ତେ ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପରମ ପାବନ, ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରବତନୁ ଶ୍ରୀ ସମାନ ଚଲିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀରେ, ଦାରୁହୂତ ମୁରାରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ଲୀଳା। କେବଳ ସିଏ ଯେତିକି ଯାହାକୁ କୃପା କରିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେତିକି ଜାଣିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସଦାବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜପ କରିବା ଦରକାର, ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଜପ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହେବ, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଦୁଃଖମ୍ ଜରା ଦୁଃଖମ୍ ଜାୟା ଦୁଃଖମ୍ ପୁନଃ ପୁନଃ ଅନ୍ତକାଳ ମହାଦୁଃଖମ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଜାଗୃହି ଜାଗୃହି।
तेणु ये गुड़ी कहूँ दुख जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाल महादुखम अंतकाल आउरी दुख तस्मात जागृही जागृही एथिरु मुक्ति पाइबा को हेले भगवान चिंतन कर भगवान आश्रय निय तेबे जाई भगवान निश्चित भाव कृपा कैबल्य टिके पाइले यद्यपि लोक जानिछन्ति मरिबाटा थय तथापि मध्य यद्यपि लोके मरणं मरणं तदपि न मुञ्चन्ति पापाचरणं समस्ते जानुछन्ति जे हौछन्ति मरण निश्चय हब किन्तु पापकु छाडुनाहिं मनुष्य जानुछि दिने ना दिने मरिब संसार छाडिब तथापि कमचि पाप सेथिपाई श्रीमद् भागवतरे परीक्षितंकर अधिकार सिद्ध हेबारु तांकु सुखदेव मिशिले सुखदेव गोस्वामी मध्य आमंत्रण करिबाकु पड़ी नथिला आ सुखदेव को आमंत्रण करिबाकु पड़ी नथिला से मनुकु आसी पहुँचि सुखदेव मध्य कहार आमंत्रण रे आसीबा लोक नथिले सुखदेव जेतेबेले जानिले परीक्षित आउ महाराजा होई नांती से महर्षि पाल्टी जाइछंती तांको जीवन परिवर्तन होई जाइछि से तांकर लालसा जीवन रो अवसान घटाइछंती सेतेबेले से आसीछंती तेणु समस्त वासना को परिहार कले भगवान कृपा सेथिपाई कह जाइछि सबुरी संगे संग होई कारी संगे नमिष तेणु आज प्रख्यात दिन अनंत चतुर्दशी व्रत अनंत चतुर्दशी व्रत को श्रीमंदिर अनंत वासुदेव मंदिर विविध नीतिकांति सहित महाप्रभु कालिया शांत को भक्त माने दर्शन करी निश्चित भाव आज गोटे प्रख्यात दिन पुण्य अर्जन करे कारण ये पुण्य नीलाचल धाम पुण्य नीलाचल धाम जो मैंने प्रभु को दर्शन करती एवं दर्शन करी स्वतंत्र भाव प्रभुंकर शरणापन्न हो जाती निश्चित भाव भगवान सहाय हूँ प्रत्येक मुहूर्त एवं जो मानकर भगवान को पाखरे मन लागी जाए आउ छाड़े ना अंतकाल वैकुंठ गति पाई प्रभु को प्रत्येक मुहूर्त एति नवेदन करवा केवल तांकर नाटा मन पड़ पुनर्बार पुणी भक्त मान को छड़ा गला कार श्रीमंदिर भितर गहली की अनुभव करी आरक्षी बंधुगण जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन श्रीमंदिर प्रशासन समस्त व्यवस्था भितरे पर्याय क्रम भक्त मान को छड़ा जाऊ आम से भव्य सिंह द्वार दर्शन करुचे श्री वशिष्ठ खंड साल आउ गोटे पाखरे अतीत पावन कर दिव्य दर्शन एवं भक्त मान भिड़ लगी प्रभु को टे दर्शन करने कारण भगवान कृष्ण भगवान जगन्नाथ भगवान राम समस्त भगवान भगवान को पाखरे प्रातः काल रे
କାରଣ କୋଉ ଧର୍ମ ଆମେ କଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ପହଞ୍ଚି ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ବି ହୁଏ। ଭଗବାନ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ସଂସାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେରେ, ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁ ନାମ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନରେ କେବଳ ମନେ ପକାନ୍ତି, ପୂଜା କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଜନ କରିବା, ଏ ତ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କର। ଏଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଯଜ୍ଞାନାମ ଜପ ଯଜ୍ଞସ୍ମି ସ୍ଥାବରାଣାମ ହିମାଳୟ। ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜପ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସ୍ଥାବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଳୟ, ଯେତେ ପର୍ବତ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି କରି ନ ହଉଛି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପକେଇଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଥିବା ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିବା ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ କହଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ। ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା କହୁଛି ସେଠି କଣ ହବ ନା ପ୍ରଭୁ ସବୁତକ ଭଗବାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା। ଏତିକି ହଉ ଆଜିର ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ନେବା ଜୀବନରେ, ଗୋଟିଏ ଯେକୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ନା ସିଦ୍ଧି ହବ, କିଛି ନା କିଛି ସିଦ୍ଧି ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାନ ଲୀଳା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି କଥା ବସ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଇ ଆଉ ଆମର ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରୀମାନ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା